अगर ब्रह्मचर्य ने कभी भी आपको नीचे गिराया देन कमेंट करके मुझे गालियाँ दो। डेफिनेटली यार, ब्रह्मचर्य आपको क्यों करना चाहिए मेरे भाई? आज मैं बताऊंगा कि आपको ब्रह्मचर्य क्यों करना चाहिए, कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी लाइफ के लिए ब्रह्मचर्य। इस दुनिया में कौन नहीं चाहता कि वो इंसान की एज या फिर वो इंसान 100 साल से पहले ना मरे? कौन नहीं चाहता कि वो इंसान हमेशा बलवान रहे? और कौन इंसान नहीं चाहता कि वो इंसान हमेशा एक युवा अवस्था की तरह जीवन जी, अपना युवा रहे, मींस बुढ़ापा कौन चाहता है? इस दुनिया में कोई नहीं चाहता कि वो जल्दी बूढ़ा हो जाए। और आजकल के बच्चे, आजकल के युवा बहुत जल्दी ब्रह्मचर्य को तोड़ देते हैं, और ब्रह्मचर्य तोड़ने के बाद उनमें ये प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जा रही है आजकल। सो ब्रह्मचर्य इतना ज़रूरी है आपके लिए कि अगर आप चाहते हैं कि आप इजीली अपना जीवन 100 साल तक जीना चाहते हैं, तो आपको ब्रह्मचर्य करना चाहिए दोस्त। ब्रह्मचर्य करने से आप कभी भी बूढ़े नहीं होंगे, सबसे बड़ी चीज़ है दोस्त। जो लोग नशा करते हैं, जो लोग दारू पीते हैं, जो लोग गंदे गंदे काम करते हैं, लेकिन वो लोग अपना वीर नाश नहीं करते मेरे भाई, मान लिया नहीं करते हैं, तो उनमें ये प्रॉब्लमें नहीं आएंगी दोस्त। वो लोग बूढ़े जल्दी नहीं होंगे, जितने जल्दी बूढ़े आप हो जाएंगे मेरे भाई, समझ रहे हैं? इसलिए अगर आप अपना वीर नाश करते हैं समय से पहले, तो समय से पहले अगर आपने वीर नाश कर दिया देन डेफिनेटली बाद में जल्दी से जल्दी बूढ़ा हो जाएंगे। एंड जब आपकी शादी होगी देन आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए आपको मिनिमम एज 25 तक, डेफिनेटली 25 तक ये एज है। इस एज में अपने आप को बनाने में लगे रहो मेरे भाई, जितना काम कर सकते हो अपनी लाइफ में, अपनी बॉडी में हर रोज़ प्रैक्टिस करो, हर रोज़ एक्सरसाइज करो, जो ये वीर है आपकी बॉडी में लगेगा एंड आपको हमेशा पावरफुल बनाते रहेगा। बस पावरफुल बनाने के साथ साथ आपकी जो फेस में ग्लो होगा, और जिससे भी आप बात करना चाहेंगे आप बात करेंगे बिल्कुल खुल के मेरे भाई, इन्जॉय के साथ, एंड आप में कोई नेगेटिविटी या फिर कोई भी दुख नहीं होगा मेरे भाई, समझो कितनी बड़ी चीज़ है। और आप इन्जॉय के साथ जो काम करेंगे उसमें हमेशा आगे निकलेंगे। ये बहुत सारे अच्छे अच्छे फ़ायदे हैं जो कि आपको ब्रह्मचर्य करने के बाद डेफिनेटली मिलने को, देखने को मिलने वाले हैं। इसलिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए ब्रह्मचर्य मेरे भाई, और वीर रक्षा करनी चाहिए आपको डेफिनेटली। और आपके बहुत सारे दोस्त लोग मिलेंगे जो कि आपको बताएंगे कि यार मैंने तो आज अपना वीर नाश कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया दोस्त, अपना मैंने हस्त क्रिया कर दिया, तो हस्तमैथुन कर दिया मैंने, बहुत मज़ा आया मेरे को यार, मैं तो रोज़ ही करता हूँ, ये करता हूँ। पर इनकी ओर ध्यान देने की आपको ज़रूरत नहीं है मेरे भाई। वो लोग ये बोल के केवल और केवल अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, और आपको इनकी तरफ ध्यान देने की ज़रूरत क्यों नहीं है? क्योंकि अगर आप इनकी तरफ ध्यान देंगे तो डेफिनेटली आप खुद का भी वीरनाश कर देंगे। और ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है कि इंसान कभी भी वो जो बुरे काम होते हैं, जो कि गलत काम होते हैं, उनको बहुत जल्दी सीखता है, लेकिन जो अच्छे काम होते हैं उनको सीखने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इंसान को। तो समझो कि जो अच्छी बातें हैं जो हम बता रहे हैं आपको, वो सीखो बस, उसके अलावा सीखने की आपको कुछ भी ज़रूरत नहीं है मेरे भाई। और बहुत सारे यूट्यूबर्स आपको ज्ञान देंगे कि आपको वीरनाश कर देना चाहिए, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो आपको नींद नहीं आएगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, कितने सारे हज़ारों एग्जाम्पल देंगे। बट वो लोग अपना, बहुत सारे दोस्त लोग बिजनेस कर रहे हैं यार, डॉक्टर्स, यू नो डॉक्टर्स इस बिजनेस के कारण लाखों रुपए कमा रहे हैं, लाखों, कि डॉक्टर साहब मुझे सेक्स प्रॉब्लम हो गई है, प्लीज़ इसका निवारण कर दीजिए प्लीज। तो डॉक्टर कहेगा कि कोई बात नहीं दोस्त, मेरे से दवाई ले दूँ, और दवाई लेके अपना क्या करेगा, दवाई बेचेगा एंड आपको जम के दवाइयाँ बेचेगा, और उससे ही उसका बिजनेस चल रहा है मेरे भाई। सेक्सोलॉजिस्ट ये वो, ये डॉक्टर्स केवल और केवल दोस्त आपको सिखाएंगे कि यार करो, जम के करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बट जब आप इसको करने के बाद कमज़ोर हो जाते हैं, लेकिन ये लोग खुद कहते हैं कि आपने बहुत ज़्यादा वीरनाश कर दिया है। पहले ये लोग कहेंगे आपसे कि आपको कभी कभी करना चाहिए, कम कम करना चाहिए, बट जब आप कम कम करते हैं वीरनाश, और वो ज़्यादा कब करने लग जाते हैं आपको खुद बताने लगता है, और रोज़ करने लग जाते हैं दोस्त, ये आपकी आदत और लत बन जाती है, और लत बनने के बाद आप इस पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं एंड, और बाद में आपकी ये कमज़ोरी बन जाती है, और कमज़ोरी बनने के बाद आपको ये प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती है, और शादी के बाद आपको प्रॉब्लम होती है। इसलिए अगर आपको ब्रह्मचर्य करना है तो डेफिनेटली आपको रोज़ इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है, और रोज़ करो मेरे भाई, बिना डरे करो बस, हमेशा
डरने की जरूरत नहीं है मेरे भाई, ब्रह्मचर्य आपको केवल केवल ऊपर उठाएगा। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपको कि अगर ब्रह्मचर्य ने कभी भी आपको नीचे गिराया देन कमेंट करके मुझे गालियाँ दो। डेफिनेटली यार फ़र्क नहीं पड़ता मुझे, बट प्लीज़ मुझे गाली दो। अगर आपने ब्रह्मचर्य ने आपको कभी भी नीचे गिराया देन जो आपका वीर है, अगर इसने आपको कभी भी नीचे गिराया देन डेफिनेटली आपको मुझे गाली देनी चाहिए कि भाई तूने मेरे को गलत बात सिखाई है ब्रह्मचर्य करने के लिए कहने के लिए। सो ये बात है थी आज दोस्त। सो ध्यान रखो इस चीज़ का और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करके सपोर्ट दिखाओ अपना। नाउ एंजॉय।